दोस्तों अभी तक एक्सेल के 250 से 300 वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए यूज़र आते हैं, उन्हें कंप्लीट पैकेज चाहिए एक वीडियो में कि भैया शुरू से लेकर आखिर तक हमें बता दीजिए कि एक्सेल चलाते कैसे हैं। जिन पर चलाना नहीं आता है, जो पहली बार एक्सेल को फेस करते हैं, तो वो उसका जो इंटरफेस है देखकर डर जाते हैं कि डाटा एंट्री कैसे करना है, टाइपिंग कहाँ से शुरू करनी है, पेज सेटअप कैसे करना है, मैक्रोज कैसे लगाना है, फॉर्मूला कैसे लगाने हैं। तो ये वो वीडियो है जो मैंने एक कंप्लीट पैकेज तैयार किया है, एक घंटे का पूरा वीडियो है। अगर आप पहले से एक्सेल चलाना जानते हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि शुरू से थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लास्ट में आपके लिए भी इसमें सरप्राइज है, आपको भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं जो अभी तक आपने शायद नहीं देखे होंगे, वीडियोस हो सकता है आपसे मिस हो गया हो, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए तो पूरा पैकेज है ही। तो इसमें मैं ढेर सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, एक घंटे का वीडियो है। हो सकता है कि बहुत सारे यूजर्स को ऐसा लगे कि अभी तक मैं 5 से 10 मिनट की वीडियो अपलोड करता था, एक घंटे का वीडियो कहाँ से आ गया। तो ये कंप्लीट पैकेज है उन सभी यूजर्स के लिए जो एक्सेल में इंटरेस्ट रखते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ नए कुछ पुराने वीडियो का कलेक्शन आपके लिए इस तरह से मैं बनाऊं कि आप एक ही वीडियो में वो पूरा जो आनंद है एक्सेल का वो उठा सकें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप पहले से एक्सेल जानते हैं तो भाई साहब आपसे अनुरोध है कि किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसको नहीं आता हो और जिसको जरूरत हो। आशा आप समझ गए होंगे। मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो वीडियो में आपको मिलने वाली एक्सेल की पूरी जानकारी, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने जो एक्सेल है हमने ओपन कर ली है। अब चूंकि ये वीडियो बिगिनर्स से लेकर एडवांस्ड यूजर्स के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है, तो जो एडवांस यूजर हैं एक्सेल को जानते हैं थोड़ा सा धैर्य रखें, आगे उनके भी काम की चीज़ें आने वाली हैं। शुरू से इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो वीडियो का जो लेक्चर है वो लंबा होने वाला है, आराम से बैठिए, ये क्लास आपके बहुत काम आने वाली है। तो थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए मैं बता दूं कि एक्सेल होता क्या है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बहुत नए यूज़र हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऊपर ए बी सी डी ई एफ जी दिखाई देंगे और साइड में आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे। अब ये दोनों जो हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब ए बी सी डी आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो आप असल में एक कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं, और जब आप 1 2 3 को सेलेक्ट करेंगे तब आप एक रॉ को सेलेक्ट कर रहे हैं, और रॉ और कॉलम जहाँ पर जाकर मिलते हैं, जैसे अगर डी को और 5 को मिला दिया जाए तो यहाँ पर ये जो इनका संगम होगा ये असल में एक सेल बनाता है, और इस सेल का नाम इन दोनों रो और कॉलम को मिलाकर रखा जाता है। और ये कहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए D5 दिखाई दे रहा है, अब यहाँ किसी और पे क्लिक करूँगा तो देखिए C5 दिखाई देगा, अगर और दूसरे किसी सेल पर क्लिक करूँगा तो E3 दिखाई देगा, और जो पहला सेल उसका नाम A1 होता है। तो यहाँ पर ये सिंपल मेथड है कि यहाँ पर जो एक्सेल में आपको ये जितने भी ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ये असल में सेल हैं, और ये सेल में ही हम सारा डेटाबेस फीड करते हैं, सेल को ही आपस में हम कैलकुलेट करते हैं, सेल के अंदर कोई भी फिगर लिखी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे पास एक फार्मूला होता है जिस फार्मूले में हम सेल का नाम एंटर कराते हैं और वहीं से वो सारी कैलकुलेशन होती है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो एक्सेल की मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक फार्मूला बार, यहाँ पर आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे सेल में वो साथ के साथ आपको यहाँ भी दिखाई देती जाएगी। और एक चीज़ और भी है कि अगर किसी सेल में आप फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर आपको जो फार्मूला है, जो कैलकुलेशन आई है, जो आंसर आया है वो डिस्प्ले होगा, लेकिन जब क्लिक करेंगे तो फार्मूला आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने 25 और 25 को जोड़ा, यहाँ पर हमने लगाया बराबर का निशान और इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम सेल से सेल को जोड़ते हैं ना कि नंबर से नंबर को, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने C1 के साथ में C2 को प्लस किया है, ना कि 25 के साथ में 25 को। तो ये अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने फार्मूला लिख दिया है और वही फार्मूला आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन एंटर करते ही यहाँ पर आपको फिगर दिखाई देगी और यहाँ पर आपको फार्मूला दिखाई देगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि जिन सेल्स में फार्मूला लगा होता है तो वहाँ पर हमें जो आंसर है वो दिखाई देता है, रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन उस रिजल्ट में फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पर दिखाई देता है फार्मूला बार में। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर अगर किसी सेल की आपको विड्थ घटानी बढ़ानी है तो आप यहाँ पर बीच में ले जाइए उसको, ये देखिए ये इसकी विड्थ बढ़ा दी हमने,
अगर हाइट बढ़ानी है तो आपको यहाँ पर रॉ पर जाना होगा और आप जाके वहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं। एक साथ में अगर घटाना बढ़ाना हो तो सभी को सिलेक्ट कर लीजिए और कहीं से भी आप किसी को भी पकड़ के खींचेंगे तो आप एक साथ में भी कर पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है। इसके बाद में यहाँ पर यो आगे आपको जो पूरी मेन्यू दिखाई दे रही है, इससे अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं अपने सेल की। अब देखिए, अगर आपने एमएस वर्ड चलाया होगा, बेसिक चीज़ें चलाई होंगी, तो आपको पता होगा कि ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट साइज़ है। यहाँ से आप किसी भी सेल के अंदर लिखे हुए किसी भी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, ये फॉन्ट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं। यानी अगर आपको इंग्लिश का कोई भी फॉन्ट चाहिए, हिंदी का कोई भी फॉन्ट चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, बहुत बेसिक चीज़ है कंप्यूटर में। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो तो ये आपको पता ही होगा। इन चीज़ों को मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, क्लिक करके आप पता लगा सकते हैं कि ये बोल्ड होगा, बहुत बेसिक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताऊंगा जिनको आपको पता होना चाहिए अगर आप एक एक्सेल चलाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके बाद अलाइनमेंट पे जाएंगे, क्योंकि अलाइनमेंट में यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें दी गई हैं, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अभी जो हमारा अलाइनमेंट है वो दिया गया है बॉटम एल्गिन पर, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉटम पर है और राइट में रखा हुआ है। अगर यहाँ से आप इसे सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में पहुँच जाएगा, लेकिन रहेगा अभी भी राइट में, और अगर इसे टॉप करेंगे तो ये टॉप में पहुंच जाएगा लेकिन रहेगा अभी भी राइट में। तो अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो तो आप यहाँ से इन तीनों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में रखने के लिए दोनों जो अलाइनमेंट है उनको सेंटर में रख लीजिए। अब बहुत सारे लोग एक्सेल में लेके आते हैं टेक्स्ट को घुमाते कैसे हैं, रोटेट कैसे कराते हैं, उनका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको सारे रोटेशन मिल जाएंगे, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके क्लॉकवाइज उसको घुमा सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, या जब आप नीचे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेट सेल के सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक आपको एनिमेटेड बटन भी मिल जाएगा, जैसे आप इसे लीवर को ऊपर नीचे करेंगे उसी डायरेक्शन में जो आपका टेक्स्ट है वो घूम जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब इसके आगे वाला जो ऑप्शन है वो आता है मर्ज और सेंटर का, जहाँ पर हम दो सेल्स को मिलाकर एक सेल बना देते हैं और वो सेल के अंदर लिखे हुए डेटा को मर्ज भी कर देता है और साथ में सेंटर भी कर देता है। वो कैसे करता है, मैं यहाँ से इसको खींच के दो सेल्स में ले जाता हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर जो 25 लिखा है, चलिए दोबारा इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एंगल को ठीक करेंगे, इसको ले आएंगे सेंटर में, ओके कर देंगे। तो अब मान लीजिए ये जो 25 ऊपर लिखा हुआ है, ये इन दोनों सेल्स को हमें मर्ज कराना है। तो कैसे कराएंगे, बस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज और सेंटर का जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो अब होगा क्या कि इन दोनों सेल्स के ऊपर एक सेल बन गया। और ये आप कैसे भी बना सकते हो, आप 10 सेल को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, 20 सेल को सेलेक्ट कर सकते हो, कॉलम में अगर आपको सेलेक्ट करना है कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, अगर रॉ को सेलेक्ट करना है तो रॉ को भी कर सकते हो। यहाँ से इस तरह से आपको ये सेलेक्ट करना है, मर्ज और सेंटर पर क्लिक करना है, आप देखिए यहाँ पर एक सेल बन गया। इस पर बॉर्डर लगाना बहुत आसान है, बस आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको बॉर्डर के ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। अब आपने जो भी एरिया सेलेक्ट किया होगा उसके कॉर्नर साइड पे ये बॉर्डर जाके लगेगा। अगर आप बॉटम बॉर्डर लगाते हो तो क्या होगा, यहाँ नीचे बॉर्डर आएगा। देखो, क्लिक किया, नीचे एक लाइन आ गई, पूरे हर लाइन के या हर सेल के बीच में एक लाइन नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा ऑल बॉर्डर को। तो जैसे आप ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करोगे तो आप देखो, जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उस सारे एरिए में लाइंस आ गई हैं और अच्छे से बॉर्डर बन गया है। तो ये बॉर्डर की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए अलग अलग सेल्स को और ये सारे बॉर्डर आप लगा के देखिए। बहुत सिंपल है, बच्चों वाला काम है, बड़े आराम से कर सकते हो। अब जो बड़ों वाला काम है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग की। देखिए, जब एक्सेल में हम जब डेटा फीड करते हैं तो एक्सेल को ये बताना ज़रूरी होता है कि भैया हम डेटा फीड क्या कर रहे हैं, हम रुपये लिख रहे हैं, पैसे लिख रहे हैं, हम टाइम लिख रहे हैं, हम डेट लिख रहे हैं, हम लिख क्या रहे हैं, आखिर सेल में ये एक्सेल पहचानेगा कैसे। तो वो जो सारा पहचानने का काम है वो यहाँ से होता है, नंबर फॉर्मेटिंग से। मानिए ये 26 लिखा है, ये क्या है, एक नंबर है, रुपए हैं, डेट है, टाइम है, क्या चीज़ है, परसेंटेज है, तो ये एक्सेल को कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके की आपको नंबर फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, जिसमें जर्नल, जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग नहीं दी गई होती है,
उसके बाद में यहाँ पर दूसरी जो फॉर्मेटिंग है वो है नंबर फॉर्मेटिंग। जब इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डॉट लगकर जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो आ जाएंगे, और इनको भी घटाना बढ़ाना बहुत आसान है। आपने मान लीजिए किसी सेल में नंबरिंग फॉर्मेटिंग लगा रखी है और ये डेसिमल प्लेसेस आपको घटाने हैं या बढ़ाने हैं, तो यहाँ पर इनका ऑप्शन दिया गया होता है। तो यहाँ से जैसे आप इसे क्लिक करेंगे डिक्रीज पर तो ये घटने शुरू हो जाएंगे, और इंक्रीज पर क्लिक करेंगे तो ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी जगह में ज़रूरत होती है कि रुपये के बाद में हमें पैसे भी लिखने होते हैं, तो यहाँ से हम वो लिख सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे अगली फॉर्मेटिंग करेंसी की दी गई है, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर आपका करेंसी का जो लोगो है, जो सिंबल है, वो आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर रुपए का नहीं चाहिए हमें, अगर डॉलर का चाहिए तो यहाँ पर ये छोटा सा एरो बना है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो सिंबल। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो भी सिंबल्स हैं वो सारे दिख जाएंगे। मैंने यहाँ पर रुपए का सेलेक्ट कर रखा है, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो सिंबल आपके एक्सेल के जो भी करेंसी फॉर्मेटिंग है वहाँ पर आकर लग जाएगा। आप जो भी चाहे वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर हमें मिलता है अकाउंटिंग का फॉर्मेटिंग, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट डेट दिया गया है, लॉन्ग डेट दिया गया है, तो मैंने एक पिछले एक वीडियो में बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है, मैं नीचे जो पूरी प्लेलिस्ट है एक्सेल की वो मैं डाल दूंगा। मैंने 200 से 250 के लगभग वीडियो एक्सेल के ऊपर यहाँ पर अपलोड किए हैं, तो उनमें को आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताई हैं ये सारी चीज़ें। अब जैसे ही इस नंबर के साथ आप शॉर्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देखेंगे एक डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्सेल इसको डेट ही मानेगा, आगे जहाँ भी हमें डेट कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी एक्सेल बड़े आराम से वहाँ पे कर लेगा। अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो सकती है। टाइम को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सेल को टाइम मानेगा, उसके बाद में परसेंटेज का नंबर आ जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये इसको परसेंटेज मांगेगा। तो परसेंटेज का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पर हमें सीधे सीधे जहाँ पर गुणा करना होता है तो वहाँ पर हमें बीच में 100 को नहीं लगाना पड़ता है, सीधे सीधे आप गुणा कर सकते हैं। तो जैसे 25 का 5% निकालना है तो बराबर लगाया, 25 किया गुणा 5 किया और एंटर कर दिया। आप देखिए 25 का 5% यहाँ पर आ गया है। तो परसेंटेज में हम किसी सेल को अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। इससे आप कोई भी कंडीशन आपकी हो, आप सेल को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि भैया अगर बड़े नंबर्स हैं तो उनको कैसे पहचानेंगे, अगर छोटे नंबर हमें दिए गए हैं, अगर हमारा डेटाबेस बहुत बड़ा है, ये उस कंडीशन में वहाँ पर लगाए जाते हैं। कोई भी कंडीशन अगर आप दे देंगे, वहाँ पर रूल सेट कर देंगे, तो आप इसको वहाँ से पता लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर एक वीडियो अलग से दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर कुछ सेल्स लिखे हुए हैं, अब यहाँ पर जो भी नंबर 15 से कम है वो डिस्प्ले मुझे कर दे। तो यहाँ पर जाना है, आपको 15 से कम वाले देखने हैं तो लेस देन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको सिर्फ 15 डाल देना है। तो आप देखिए 15 से कम वाले जितने भी नंबर होंगे ना, आपको यहाँ पर तुरंत से डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर और भी किसी नंबर में आप बदलाव करते हैं और जो 15 से कम होता है, जैसे यहाँ पर 13, तो वो भी आपको तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक्सेल का अगर बड़ा डेटाबेस आप बना रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है, इससे आप सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब आगे आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, आगे वीडियो ज़रूर देखते रहिए। पेस स्पेशल को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है और कुछ नंबर्स टाइप किए हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया है सम का, और नीचे भी हमने सम का फार्मूला लगाया है, साथ में हमने सेल्स को फॉर्मेटिंग भी दी है। अब इस पर हम एक बॉर्डर और लगा देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ इसको। तो ये देखिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस टेबल में की हैं, और हम समझते हैं पेस स्पेशल होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हमने पूरी टेबल को सेलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिया। आप इसको अगर सीधे सीधे आप पेस्ट करेंगे तो ये जो टेबल है वो ज्यों की त्यों नीचे आ जाएगी, और यहाँ पर वो सभी फॉर्मूले और सभी फॉर्मेटिंग जैसी थी वैसी पेस्ट हो जाएगी। तो ये तो था सिंपल इसको पेस्ट करना। अब इसके अलावा इसमें से कुछ अलग अलग चीज़ें हमें लेनी हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो ये अभी टेबल जो है वो कॉपी है, और इसके बाद में हम जाते हैं पेस्ट स्पेशल पर। आप यहाँ पर देखेंगे पेस्ट स्पेशल में जो हमने पहला ऑप्शन इस्तेमाल किया था सिंपल पेस्ट का, वो था ये ऑल वाला, यानी यहाँ पर जो बॉर्डर था वो भी पेस्ट हो गया, जो फॉर्मेटिंग थी वो भी पेस्ट हो गई, कलर्स थे, बैकग्राउंड कलर्स थे, वो सारी चीज़ें जो कि पेस्ट हो गई। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूलाज का,
यहाँ पर ये केवल इस टेबल से फार्मूला लेगा, आपका टेक्स्ट लेगा, नंबर लेगा, जो फॉर्मेटिंग है वो उसको पेस्ट नहीं करेगा। फॉर्मेटिंग से मतलब आप समझते हैं, जो टेक्स्ट का कलर होता है, जो टेक्स्ट की बैकग्राउंड होती है और ये जो बॉर्डर है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आती हैं। और इसको छोड़कर जो बाकी सारी चीज़ें बचती हैं वो है यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट और ये जो नंबर लिखे हैं और जो फार्मूला लगा है। तो जब आप इसे टिक करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो वही सारी चीज़ें पेस्ट होंगी, आपके जो नंबर हैं वो आ गए, जो टेक्स्ट लिखा था वो आ गया और जो फार्मूले लगे थे वो यहाँ पर पेस्ट हो गए। इसके बाद में एक ऑप्शन और है, हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है वैल्यू का, अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें जो हमने यहाँ पर जो डिजिट निकाले हैं वो हमने फार्मूला लगा कर निकाले हैं, जैसे हमने ये जो सम किया था वो यहाँ पर सम का हमने कर रखा है, तो यहाँ पर हमने ये जो सभी सेल्स हैं वो सम करके ले रखे हैं। अगर आप इसे सिंपल कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से इसको ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो फार्मूले लगे थे वो लगे थे इन सेल्स के लिए, तो वो इस तरीके से इसको पेस्ट करेगा। लेकिन आपको इसमें से केवल वैल्यू लेनी है, जो 105 है, जो 109 है, जो 113 है, वो वैल्यू उठानी है। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे इसको वैल्यू। जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो वो इस फार्मूले में से वैल्यू को उठा लेगा। तो एक बहुत काम का फार्मूला है, कई जगह इसकी ज़रूरत होती है वैल्यू को कॉपी करने की, तो आप यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं। पूरी टेबल को भी अगर आप उठा के लेंगे तो वहाँ से पूरी टेबल को भी अगर आप कॉपी करेंगे तो वहाँ से फार्मूला कॉपी नहीं होंगे, केवल जो पेस्ट की जाएगी वो वैल्यू पेस्ट की जाएगी। आप देखिए यहाँ पे कहीं भी फार्मूला नहीं आया है, जो वैल्यू थी वो पेस्ट हुई है। इसके बाद में पेस्ट स्पेशल में एक चीज़ और आती है, इसे दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट स्पेशल पर जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट्स। अब फॉर्मेट्स क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने ये जो टेबल अभी पेस्ट की थी, जो इसके सेल हैं नीचे वाले, जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर की है, जो टेक्स्ट है वो कहीं पर रेड है और कहीं पर ब्लैक है। अब हमें यही सेम फॉर्मेट यहाँ पर लेनी है, तो आपको सिंपल इसे कॉपी करना है, किसी भी रॉ को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप चाहिए बीच वाली रॉ पर, हमें ये जो इस जैसी रॉ है वो ये बीच वाली रॉ करनी है। लेकिन अगर आप इसे सिंपल पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ में डेटा और फार्मूला भी उठ के चला जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं लेना है, हमें लेना है सिर्फ इसका फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जो बीच वाला जो थर्सडे है उस पर ले जाकर इसको पेस्ट स्पेशल करेंगे और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट को, और जब इसे पेस्ट करेंगे तो सिर्फ जो फॉर्मेट है वो वहाँ पर जाके पेस्ट होगी, ना कि उसका डेटा। आप एक बार और दोबारा से देख लेते हैं, हम पूरे को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ से हम पेस्ट करते हैं फॉर्मेट। आप देखिए जो इस रॉ की पूरी फॉर्मेट थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है, डेटा पेस्ट नहीं हुआ है। हो सकता है आपने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कहीं पर लगाई हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, मैं आपको एक बार छोटा सा उदाहरण देके समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए लगाया है कि डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करे, तो यहाँ पर इस रॉ में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू हमने 27 लिख दी, तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू को वो हाईलाइट कर रहा है। अब यही जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये आपको किसी और रॉ में लगानी है या किसी और कॉलम में लगानी है, तो आप सिंपल इसे कॉपी कीजिए और वहाँ पर जाकर पेस्ट स्पेशल पर जाइए और यहाँ से फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई और जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो भी हाईलाइट होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट और कंडीशनल फॉर्मेट दोनों को कॉपी कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद में आता है कमेंट्स कॉपी करने का। आप किसी सेल के लिए आपने कोई कमेंट लिखा है, यहाँ पर इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप किसी सेल के लिए कोई भी कमेंट लिख सकते हैं कि ये सेल हमने इस चीज़ के लिए बनाया था। अब केवल कमेंट को कॉपी करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कमेंट्स का ऑप्शन है। जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो केवल जो कमेंट्स हैं वो कॉपी होंगे, ना डेटा कॉपी होगा ना फॉर्मेट कॉपी होगी, केवल जो कमेंट हैं वो यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। तो आप देखिए इस तरीके से ये कमेंट कॉपी हो गया। अब अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वैलिडेशन का। वैलिडेशन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि डेटा वैलिडेशन में किसी भी रॉ के लिए आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं और एक दायरा फिक्स हो जाता है कि उससे बाहर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक डेटा वैलिडेशन लगा के देख लेते हैं। हम जाते हैं डाटा पर और यहाँ पर हम जाते हैं डाटा वैलिडेशन पर, एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं हम यहाँ पर कि जो होल नंबर है वो या तो 20 मिनिमम होगा और मैक्सिमम 30 होगा। मैक्सिमम और मिनिमम से अगर ऊपर जाता है, इसको सेटिंग में जाते हैं और एरर अलर्ट के लिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं ये गलत है, इसे यहाँ से ओके कर देते हैं।
और आप यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे, यानी आप 20 से कम कोई अंक टाइप करेंगे तो ये आपको अलर्ट देगा, और 20 से ज़्यादा का कोई डिजिट टाइप करेंगे तो ये आपको अलर्ट देगा। आप देखिए ये गलत है लिखा हुआ आ रहा है, और इसी तरीके से आप 19 यहाँ पर टाइप करेंगे तो भी यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगा। हमने ब्लैंक के लिए एरर नहीं लगाया है, तो आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा। अब इस वैलिडेशन को आप किसी और सेल में पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको बार बार डेटा वैलिडेशन नहीं लगाना होगा। इसको यहाँ से पेस्ट स्पेशल कीजिए, वैलिडेशन पर जाइए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर भी वही वैलिडेशन अप्लाई हो गया है, आप यहाँ पर 31 लिखेंगे तो यहाँ पर वो एरर आने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन को भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बिना किसी फॉर्मूले के आप घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो वो फार्मूला है पेस्ट स्पेशल। जी हाँ, बिना कोई फार्मूला टाइप किए आप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा नंबर हम लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर 2 टाइप कर लिया है। यहाँ से ये जो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनमें ये जो 2 नंबर है ये ऐड हो जाए। तो पेस्ट स्पेशल से इसे ऐड कैसे करते हैं, यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए, सिंपल यहाँ पर जाकर से पेस्ट स्पेशल कीजिए, और यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देंगे कुछ 4 ऑप्शन। आप ऐड पर अगर क्लिक करेंगे तो ये जो 2 है, आप देखिए 25 और 2 को जोड़ना है, तो आप ऐड पर क्लिक कर दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। आप देखेंगे 25 में वो जो 2 लिखा हुआ था वो जुड़ गया है। इसी तरीके से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल कीजिए, और यहाँ से आप देखेंगे आपको मल्टीप्लाई का भी ऑप्शन दिखाई देगा। ये जो रॉ है पूरी और यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं, आप इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल मल्टीप्लाई को सेलेक्ट कीजिए और इसे ओके कर दीजिए। आप देखेंगे ये जो रॉ थी वो इससे मल्टीप्लाई हो गई है, लेकिन इसके लिए आपको कॉपी करना होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। दोबारा से हम एक बार कॉपी करके दिखा देते हैं, हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं एक बार कॉपी, और यहाँ पर हम दोबारा से इसको थोड़ा सा अंडू कर लेंगे, यहाँ पर 2 ले आएंगे और इसके बाद फिर से इसको पेस्ट करके देखेंगे पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर हम इसको करेंगे अब डिवाइड। तो यहाँ पर इसको डिवाइड का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आप, और ये आप देखेंगे कि जो ये जो रॉ है वो 2 से डिवाइड हो गई है। अगर क्विकली आपको कोई गुणा भाग करना है तो आप पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है कि ये जो संडे मंडे हैं ये ऊपर से लेके नीचे तक लिखे हुए हैं, यानी ये कॉलम में लिखे हुए हैं, आपको अचानक से ये रॉ में लिखना हो, यानी यहाँ ये ना लिख के आपको इसको ऊपर पेस्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसपोज का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको ओके कर दीजिए। आप देखेंगे जो संडे मंडे हैं वो आपके ऊपर वाले रॉ में आ गए हैं। अब एक ऑप्शन और मैं आपको पेस्ट स्पेशल का बता देता हूँ। कभी कभी ये जो टेबल है वो हमें दूसरी शीट पर ले जाने की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर एक परेशानी हमें आती है। आप देखिए हमने यहाँ पर कुछ जो कॉलम विड्थ हैं उनको अपने हिसाब से सेट किया हुआ है, लेकिन जब इस टेबल को हम दूसरी शीट पर पेस्ट करते हैं तो होता क्या है, जो कॉलम विड्थ है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल की तरफ से दी गई होती है वो सेट हो जाती है, और फिर दोबारा से हमें इसे सेट करना होता है। लेकिन इसको करने का एक बहुत आसान तरीका है, इसको कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो कॉलम विड्थ एक्सेल की तरफ से दी गई है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप इसको दोबारा से कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पर जाइए, और ये कॉलम विड्थ जो यहाँ पर दिए गए हैं इसको सेलेक्ट करके इसे ओके कर दीजिए। आप देखेंगे जो कॉलम विड्थ आपकी इस टेबल की थी वो सेम आपके दूसरी टेबल पर अपने आप आ गई है। तो एक्सेल में प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर हमने एक दो शीट बनाई हैं जिससे हम आपको समझा सकें। तो यहाँ हमारे पास एक शीट है, और एक्सेल में जब आप प्रिंट निकालने जाएंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा प्रिंट एरिया, क्योंकि एक्सेल में कोई भी शीट की कहीं कोई एंडिंग नहीं होती है। जब आप प्रीव्यू में देखेंगे तब आपको यहाँ पर पेज दिखाई देगा, लेकिन जब आप शीट पर देखेंगे तो आपको कोई भी एंडिंग दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर आपको प्रिंट एरिया पहचानना होगा। प्रिंट एरिया जब आप कैसे निकालेंगे कि आपने कोई मैटर एक्सेल में टाइप किया है, आप प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाएंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में F2 दबाएंगे तो आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने जो मैटर टाइप किया है वो आपके पेज पर कहाँ आएगा। लेकिन अगर आपका मैटर इससे भी बड़ा है, यहाँ पर हमने एक छोटी सी फाइल तैयार की है, तो आप कैसे देख पाएंगे वो कितने पेजों में आएगा और कहाँ आ रहा है, तो आपको यहाँ पर बीच में एक हल्की डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी। यही लाइन एक्सेल की शीट पर आपके पेज को डिवाइड करती है, यानी कि इस बॉर्डर के अंदर, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है और ये चौथा पेज है। तो इन सभी पेजों को अलग अलग देखने के लिए आप व्यू पर चले जाइए, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेज लेआउट व्यू।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सभी पेज इस तरह से आपको अलग अलग दिखाई देने लग जाएंगे। देखिए बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह, जैसे एमएस वर्ड में पेजेस दिखाई देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। आप अपने टास्क बार से भी पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू को अलग अलग कर सकते हैं। पेज ब्रेक व्यू वो है कि जो मेटा टाइप किया है केवल उसी को यहाँ पर दिखाएगा कि वो एक पेज पर आ पाएगा कि नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे ये पेज ब्रेक व्यू है, अगर ये मैटर दो पेजेस में होता तो ये उसको अलग अलग करके दिखा देता। तो सबसे बेस्ट नॉर्मल शीट पे काम करना है। अगर आप नॉर्मल शीट पे काम करते हैं और प्रीव्यू चेक करके डॉटेड लाइन के हिसाब से ये चेक कर लेते हैं कि मेरा मैटर एक पेज पर है या दो पेज पर है, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ये इस समय जो पेज सेटअप में यहाँ पर जो पेज साइज लगा हुआ है वो लेटर साइज लगा हुआ है, वो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे A4 करेंगे तो ये डॉटेड लाइन थोड़ी सी ऊपर खिसक जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस समय ये हमको थोड़ा सा उदाहरण देके दिखा देते हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे इस समय जो डॉटेड लाइन है वो 47 नंबर वाली सेल पर है। अभी हमने यहाँ से पेज साइज को चेंज किया और A4 लगा दिया तो आप देखेंगे वो 50 पर पहुँच गई, और अगर हम इसे लीगल कर देंगे तो ये और नीचे खिसक जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 61 पर। तो इस तरीके से ये जो पेज पर डॉटेड लाइन है यानी कि जो आपका प्रिंट एरिया है वो घटता बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप सोच लीजिए कि ये जो डॉटेड लाइन है ये मार्जिन को छोड़ने के बाद में है, यानी कि जब आप प्रिंट निकालेंगे तो जो मैटर है वो मार्जिन के साथ में ही निकलेगा। इस डॉटेड लाइन के अंदर जो भी मैटर होगा वो पूरा आपके पेज पर आ जाएगा, इसके अलावा मार्जिन भी इन्होंने जोड़ रखा है। तो ये तो तरीका था आपके प्रिंट एरिया को पहचानने का। अब प्रिंट एरिया आप अपने हिसाब से मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। मैनुअली प्रिंट एरिया सेट करने के लिए आपको जितना भी आपने मैटर टाइप किया है और आप चाहते हैं कि उस मैटर के अलावा और कोई मैटर पेज से प्रिंट हो ना, यानी कि हम अभी हम इस टेबल को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसको दो जगह पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसको एक लाइन छोड़ के यहाँ पर पेस्ट किया तो ये मैटर यहाँ भी है और यहाँ भी है और ये दूसरे शीट पर भी जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जो पहली टेबल बनाई है वही केवल प्रिंट निकले। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप जाएंगे यहाँ से पेज लेआउट ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रिंट एरिया का ऑप्शन। प्रिंट एरिया में यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी सारी जो डॉटेड लाइन है वो गायब हो जाएंगी और आपके जो मैटर आपने सेलेक्ट किया था केवल उस पर एक डॉटेड लाइन आ जाएगी। इसका अर्थ ये है कि आप जब भी प्रिंट निकालेंगे तो केवल यही प्रिंट निकलेगा जो आपने अभी सेलेक्ट किया था, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। आप देखिए अब इसको प्रीव्यू में भी देखेंगे तो केवल यही प्रिंट आएगा, और जो हमने और भी मैटर पेज पर लिया हुआ है जो टेबल बनाई है वो प्रिंट नहीं होगी। इसको हटाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, प्रिंट एरिया पर जाना है और क्लियर प्रिंट एरिया कर देना है। और अगर इसी प्रिंट एरिया में आपको और भी चीज़ें जोड़नी है तो आपको सिंपल इतना करना है कि आपको दूसरी जगह को भी सेलेक्ट करना है और ऐड टू प्रिंट एरिया का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि ये टेबल और ये टेबल प्रिंट होगी, ये दूसरे पेज पर आ गई देखिए अपने आप, और बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बाकी कुछ भी से मतलब ये है कि अभी हम इस पर और सेल और कॉलम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमने सभी जगह बॉर्डर बना दिया, लेकिन आप देखेंगे कि प्रिंट में केवल यही दो टेबल आएंगी। अगर ये प्रिंट एरिया हम हटा देते हैं तो यहाँ से जो पूरे हमने जो टेबल बना रखी है वो पूरी आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो ये तरीका है प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करने का। प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने से आप केवल दो कॉलम्स का भी प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सेट प्रिंट एरिया कर दिया और केवल दो कॉलम का भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब बात करें कि हमारी टेबल काफ़ी बड़ी है और ये हमें केवल एक ही पेज पर निकालनी है, यानी ये दोनों जो टेबल हैं ये हमारे पेज से बाहर जा रहा है, ये जो मैटर है ये पेज से बाहर जा रहा है, लेकिन ये हमें एक ही पेज पर प्रिंट करना है कैसे भी करके। तो बहुत सारे यूज़र क्या करते हैं कि इसको टेबल को छोटा करने लगते हैं, साइज़ को छोटा बड़ा करके उसको एक पेज पे एडजस्ट करते हैं, लेकिन अगर कॉलम और भी ज़्यादा हो तो परेशानी हो जाएगी। तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप पेज प्रीव्यू पर जाइए, पेज सेटअप पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्केलिंग का। स्केलिंग में आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो फिट टू वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। तो जब फिट टू आप सेलेक्ट करेंगे तो दोनों में आपको 1 और 1 भर देना है, यानी कि टेल और वाइड में आपको 1 भर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा मैटर है वो सिकुड़कर अपने आप एक ही पेज पर आ जाएगा। आप देखिए कितना भी लंबा चौड़ा आपका मैटर हो वो एक पेज पर अपने आप सेट हो जाएगा, आपको कोई कॉलम खिसकाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो फॉन्ट साइज़ है, जो टेबल है, वो अपने आप एडजस्ट होकर आपके एक सिंगल पेज पर आ जाएगी। तो एक बहुत कामयाब ऑप्शन है, आप इससे
आपका जो मैटर है वो चाहे शीट के बाहर हो चाहे शीट के अंदर हो, अगर आपको एक ही शीट पर आपको प्रिंट करना है तो आप इस फिट टू ऑप्शन का इस्तेमाल करें, इससे आप एक ही शीट पर प्रिंट कर सकते हैं। वो इसे अपने आप एडजस्ट करके उसने 42% जो है एडजस्ट कर दिया, उसको आपका एक पेज पर आ गया। ये था आपका एक मैटर को शीट पर फिक्स करना। अब इसका पेज सेटअप समझ लेते हैं कि इसके पेज सेटअप में और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो जब आप प्रिंट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आएगा प्रिंट रेंज, पेज फ्रॉम और टू, लेकिन यहाँ पर पेज तो है ही नहीं, तो हम पेज निकालेंगे कैसे कि हमें कौन से पेज का प्रिंट निकालना है कौन से का नहीं। तो ये जो पेज लेआउट व्यू है वो इसी काम के लिए है कि ये आपके मैटर को बता देगा कि आपका मैटर एक पेज पर है या दो पेज पर है। अभी फ़िलहाल हमने इसको श्रिंक कर रखा है, यानी 42% हम इसको लेस कर रखा है। अब इसे हम 100% कर लेते हैं, तब आपको मैं कुछ दिखा पाता हूँ। इसको 100% कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा मैटर 100% हो गया। अब हम इसको देखते हैं पेज लेआउट व्यू में जाके, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 1 है। जब आप इसको क्लिक करेंगे पेज पर तो आपको यहाँ पर पेज नंबर अपने आप दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ कोई मैटर नहीं है। जिन पेजेस पे मैटर है वहाँ पर पेज 1 और पेज 2 लिखा हुआ आ रहा है। हम यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जो आपका टास्क बार है वहाँ पर आपको पेज नंबर वो दिखाएगा। तो अब मान लीजिए कि हमको पेज नंबर 2 का प्रिंट निकालना है, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। तो हमें पेज नंबर 2 का प्रिंट निकालना है, यानी कि इस वाली शीट का। तो आपको सिर्फ पेज नंबर 2 टाइप वहाँ पर करना होगा। तो हम प्रिंट करते हैं इसको, और प्रिंट करने पर हम यहाँ पर पेज 2 फ्रॉम 2, तो क्या होगा कि केवल पेज नंबर सॉरी शीट नंबर 2 का प्रिंट आउट निकलेगा। शीट नंबर 2 से पहले का कोई प्रिंट आउट नहीं आएगा, सिर्फ शीट नंबर 2 का प्रिंट आउट आएगा। अगर आप ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो वर्कशीट है उस वर्कशीट का प्रिंट आउट आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर जो शीट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक्टिव शीट हो, यानी कि जिस पर आप काम कर रहे हैं, जो शीट खुली हुई है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है सिलेक्शन का। अब ये सिलेक्शन का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप, अभी हम दोबारा से नॉर्मल व्यू कर लेते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है केवल इन सेल्स का प्रिंट आउट, यानी 17 से लेकर 24 तक के जितने लोग हैं या 1 से लेकर 7 तक के जितने लोग हैं, केवल इन सेल्स का प्रिंट आउट निकालना है। तो आप इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट पर जाएंगे और यहाँ पर ऑल पर क्लिक करते हुए आप सिलेक्शन पर भी टिक लगा देंगे। इससे क्या होगा, केवल ये जो आपने सेल सेलेक्ट किए हैं इन्हीं का प्रिंट आउट निकलेगा। प्रीव्यू में देख सकते हैं यहाँ पर किसी और चीज़ का प्रिंट आउट नहीं आएगा। तो एक बार फिर से करके देख लेते हैं। यहाँ पर ऑल लगाएंगे प्रिंट रेंज में और यहाँ पर करेंगे सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप सिलेक्शन कर देंगे तो केवल इन्हीं सेल्स का प्रिंट आउट निकाला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है एंटायर वर्कबुक। तो जब आप एंटायर वर्कबुक को सेलेक्ट कर लेंगे तो जो आपकी पूरी वर्कबुक है उसका प्रिंट आउट दे दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर वर्कबुक में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितनी भी शीट हैं, शीट नंबर 1 पर जो भी मैटर होगा, शीट नंबर 2 पर जो मैटर होगा, वो सभी प्रिंट आउट आ जाएगा। इसका एक बार हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल 9 पेजेस का प्रिंट आउट निकाला जाएगा, और 9 पेज किस तरीके से इन्होंने बनाए हैं। तो ये जो पहला हमारी शीट है, ये जो मैटर है वो हमारी पहली शीट पर टाइप है, और इसके बाद में ये जो मैटर है ये हमारी दूसरी शीट पर टाइप है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, जो ऑप्शन है यहाँ पर एंटायर वर्कबुक वाला, ये सभी शीटों के प्रिंट आउट आपको निकाल के दे देगा। अब जब आप प्रिंट निकाल लेंगे, ये सारी चीज़ें सेट कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा नंबर ऑफ़ कॉपीज़। तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को आप यहाँ पर जानते ही हैं कि आप 1, 2, 3, 4 करके कितनी भी कॉपियाज दे सकते हैं। लेकिन इसके नीचे एक ऑप्शन है कॉलेट का। ये ऑप्शन क्या करता है, अगर आप इस पर टिक नहीं लगाते हैं तो क्या करेगा कि ये पहले पेज की आपने जितनी भी कॉपियाँ दी हैं, जैसे 3 हैं और हमारे पास पेज 2 हैं, तो पहले पेज की 3 कॉपियाँ निकालेगा, फिर उसके बाद दूसरे पेज की 3 कॉपियाँ। लेकिन अगर आप कॉलेट पर क्लिक कर देते हैं तो ये उनके सेट बना देगा। यानी अगर आपकी शीट में 10 पेज हैं तो पहले 10 पेजों की कॉपियाँ निकालेगा एक बार, फिर दूसरी बार में 1 से लेकर 10 पेजों की कॉपियाँ निकालेगा, फिर तीसरी बार में 1 से लेकर 10 पेजों की कॉपियाँ निकालेगा। तो ये ऑप्शन, अगर आपके पास अलग अलग तरह के पेज हैं और आप उनको एक सेट बनाना चाहते हैं उनका, तो इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल करें ज़्यादा कॉपियाँ निकालने के लिए, क्योंकि बाद में भी आपको फिर सेट बनाने पड़ेंगे, तो ये अपने आप उनके सेट बना के आपको प्रिंट दे देगा। तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पेज सेटअप का ऑप्शन है। पेज सेटअप में यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से पेज, आपके पास A4 है, लीगल है, आप उस पर कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। यानी कि मार्जिन क्या होता है कि मार्जिन चारों तरफ का बॉर्डर होता है जिस पर प्रिंट नहीं निकलता है।
तो सबसे बेटर है अगर आप नॉर्मल मार्जिन का इस्तेमाल करें। इसके बाद में ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट माने है खड़ा पेज और लैंडस्केप माने है आड़ा पेज। तो आप प्रिंटर में तो आपके में आप एक ही तरीके से पेज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको सेटअप कर लेंगे तो वो अपने आप इसको सेट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है साइज़ का। तो मार्केट में अभी केवल दो साइज़ के पेज ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं, A4 का और लीगल का। तो आपके पास जो पेज है तो सबसे पहले आप उसको यहाँ पर सेट करें। अगर आपके पास A4 पेज है तो आप A4 पेज सेलेक्ट करें, और अगर आपके पास लीगल पेज है तो आप लीगल पेज सेलेक्ट करें। प्रिंट एरिया के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, तो आप प्रिंट एरिया को बड़े आराम से सेट कर सकते हैं। तो एक्सेल में जितनी भी तरीके से प्रिंट निकाले जा सकते थे, हमने सभी प्रिंट के ऑप्शन आपको बता दिए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एक शीट है जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके कुछ पेपर हुए हैं वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, इंटरनेट, फोटोशॉप के। और इस शीट में हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल के 8 मोस्ट यूज़फुल फॉर्मूले जो कि हमेशा प्रयोग में आते रहते हैं, जिसमें कि सम है, परसेंटेज है, सम इफ़ है, काउंट है, वी लुकअप है, एवरेज है, इफ़ है और काउंट इफ है। तो ये जो 8 फॉर्मूले हैं ये हम एक ही शीट में आपको लगाकर दिखाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है सम का। तो सम आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो सम का, इस बटन पर आप क्लिक कीजिए तो ये ऑलरेडी आपके सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेगा जो भी आपके वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली होंगे। लेकिन ऑटो सम में भी आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप मैनुअली सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो टोटल वाला कॉलम है ये हमें इस में नहीं लेना है। यहाँ पर आप मैनुअली सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया सम करने का। अब दूसरा तरीका है, आप बराबर का निशान लगाइए, सम टाइप कीजिए, ब्रैकेट लगाइए और सबसे पहले वाले सेल का नाम लिखिए। तो ये जो सेल है इसका नाम है B5, तो यहाँ पर B5 टाइप कर दीजिए, कॉलन लगाइए और जो लास्ट सेल है उसका नाम टाइप कर दीजिए, तो ये है F5, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये दो तरीके से सम हो गया। तीसरा तरीका है, आप मैनुअली भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस इक्वल टू का निशान लगाइए और सेल को सेलेक्ट करते जाइए, प्लस दबाइए, फिर सेल को सेलेक्ट कीजिए, फिर प्लस दबाइए। यहाँ पर आप कोई भी सेल बीच से छोड़ सकते हैं। तो मानिए अगर हमको चौथा सेल यहाँ पर छोड़ देना है तो आप उसे छोड़ दीजिए, पांचवें सेलेक्ट कर लीजिए और छठवें को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप एंटर करेंगे तो जो बीच वाला सेल था उसको छोड़ के बाकी सारे सेल्स का सम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक्सेल में प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड टोटल में से हमें जो टोटल नंबर मिले हैं सभी सब्जेक्ट्स में वो यहाँ पर आ गए हैं। तो अब इसका प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए जैसे हम कॉपी पर निकालते हैं वही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे हम बराबर का निशान। अब जो अंक हमें प्राप्त हुए हैं उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार बटन से हम लगाएंगे यहाँ पर गुणा का निशान। इसके बाद यहाँ से 100 से इसे गुणा करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्लिक और उसके बाद जो हमारा टोटल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रतिशत निकल के आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी है प्रतिशत निकालने का। आप जाएंगे नंबरिंग फॉर्मेट पर और ये जो सेल है इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने ये सेल प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिया। आप देखेंगे ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ आ गया है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बराबर का निशान लगाना है, जो नंबर है हमारे उनको सेलेक्ट करना है, इसको भाग देना है यानी डिवाइड करना है 600 से। सिंपल इतना करना है, हमें 100 से गुणा नहीं करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर वाला सेल था वहाँ पे प्रतिशत का आइकन नहीं आया था, लेकिन इस सेल में चूँकि हमने इसे कन्वर्ट कर दिया था परसेंटेज में तो यहाँ पर प्रतिशत का आइकन आ गया है। अब इसको पकड़ के आप नीचे तक खींच दीजिए तो ये सभी एग्ज़ाम्स के जो परसेंटेज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके बाद है सम इफ। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे मोहित जो नाम है वो दो जगह दिया गया है, और अगर हम चाहते हैं कि इसमें जितनी भी जगह मोहित नाम दिया गया हो उनका सम केवल यहाँ पर आए, ना कि अकेले मोहित का, तो हम सिंपल लगाएंगे बराबर का निशान, टाइप करेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज के लिए उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिनमें नाम लिखे हुए हैं, कॉमा लगाएंगे। अभी पूछेगा हमसे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए हम मोहित को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर डबल कोट में मोहित का नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद डबल कोट बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ही हमें दे रहा है सम रेंज। तो सम रेंज के लिए आप किसी भी एक अगर पेपर को सेलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या फिर टोटल नंबर्स को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोटोशॉप के नंबर निकालना चाहते हैं या इंटरनेट के नंबर निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो टोटल सम है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि मोहित के जो अंक हैं टोटल दोनों मोहित के वो काउंट होके यहाँ पर आ गए हैं।
अगर आप कोई शॉप चलाते हैं और वहाँ पर आप डेली का सेल रजिस्टर तैयार करते हैं, कौन सी चीज़ कितनी सेल हो गई, तो उसके लिए आप समएफ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो फार्मूला है वो है काउंट। काउंट फार्मूला क्या करता है, काउंट फार्मूला आपके सिलेक्शन एरिया में से जितने भी नंबर्स टाइप हुए हैं उनको काउंट करके आपको यहाँ पर दिखाता है। तो इसके लिए आप लगाएंगे बराबर निशान, टाइप करेंगे काउंट और ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो सामने वाली सीरीज़ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो अभी हमें आंसर मिला है वो है 6, लेकिन हमने जो सेल सेलेक्ट किए थे वो 7 किए थे। अब यहाँ पर 7 क्यों नहीं आया, वो इस वजह से नहीं आया है क्योंकि जो 7वां सेल है वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप किसी भी सेल्स में से अगर कोई नंबर हटा देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो काउंट है वो 5 हो जाएगा। तो ये उन सेल्स को मैं बताता है केवल जिन सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर दोबारा कोई भी नंबर अगर आप लिख देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे काउंटिंग जो है वो बदल जाएगी। इसके बाद फार्मूला आता है वी लुकअप का। तो वी लुकअप फार्मूला क्या करता है, ये वर्टिकली क्राइटेरिया के हिसाब से किसी भी वैल्यू को आपको फाइंड करके देता है। कैसे देता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर लगाते हैं बराबर का निशान, टाइप करते हैं वी लुकअप, तो यहाँ पर आप देखें वी लुकअप आ जाएगा, इसे डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आप क्या देंगे, आप यहाँ पर डबल कोट में कोई भी एक नाम टाइप कर देंगे, हम जैसे टाइप कर देते हैं राम, और यहाँ दोबारा से डबल कोट लगा देंगे। अब यहाँ इसके बाद टेबल एरे का ऑप्शन है, तो टेबल एरे में भी पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब ये हमसे पूछेगा इंडेक्स कॉलम नंबर, तो हमें राम के इंटरनेट के अंक पता करने हैं और जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा आप पहले से काउंट करेंगे जहाँ से आपने इस टेबल को सेलेक्ट किया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने अभी डाल रखे हैं, अब 5 है, यहाँ पर लिख देंगे 5, लगाएंगे कॉमा और उसके बाद तो वहाँ पर हम टाइप कर देंगे 0 क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए और ब्रैकेट को बंद करके इसे एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से राम ने इंटरनेट में 32 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये जो फार्मूला है ये असल में कोई विशेष क्राइटेरिया आपको किसी बहुत बड़ी टेबल में से सर्च करना है तो आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये जो राम है आपने जो डबल कोट में यहाँ पर लिया है, आप इसे कहीं बाहर भी किसी दूसरे सेल का नाम दे सकते हैं और वहाँ से बार बार इसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एवरेज फार्मूले की। अभी हमें अगर निकालना हो कि ये जो सभी विद्यार्थी हैं, सभी स्टूडेंट हैं, उन्होंने जितने भी पेपर्स दिए हैं उसका जो एवरेज है वो क्या है, ये शुभम के जितने भी मार्क्स आए हैं सभी पेपर्स में उनका क्या एवरेज है, तो ये एवरेज आपको वहाँ से निकाल के देगा। बहुत सिंपल फार्मूला है लेकिन बहुत काम का है। आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है एवरेज, तो जैसे ही आप ए वी ई टाइप करेंगे यहाँ पर एवरेज आपको दिखाई दे जाएगा। इसको डबल क्लिक कीजिए तो बस आपको वो सीरीज सेलेक्ट कर देनी है जिनका आपको एवरेज निकालना है। यहाँ पर कुछ 5 सेल हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं और बस ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे जो शुभम के नंबर हैं उसका जो एवरेज है वो 39.6 है। बस इसको पकड़ के आप नीचे खींच दीजिए और सभी स्टूडेंट्स के जो एवरेज नंबर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फार्मूला इफ़। इफ फार्मूला क्या करता है, काफ़ी लोग मार्कशीट तैयार करते हैं और वहाँ पर वो परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड तय करते हैं या ग्रेड देते हैं नंबरों को। अगर यहाँ पर आप इफ़ का इस्तेमाल करेंगे तो इफ़ से आप ऑटोमेटिकली ग्रेड दे पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर फीड करने हैं, परसेंटेज भी निकलेगा, टोटल भी निकलेगा, एवरेज भी निकलेगा और आप ग्रेड भी ऑटोमेटिक दे पाएंगे। अभी कैसे आप दे पाएंगे ये अभी हम सीख लेते हैं, बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान, टाइप करेंगे इफ़, तो यहाँ पर हम जो सेल सेलेक्ट करेंगे ग्रेड देने के लिए वो सेल हम सेलेक्ट करेंगे प्रतिशत वाला और उसी के हिसाब से हम ग्रेड देते जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो कुल ग्रेड हैं वो 4 देंगे, ए बी सी और डी। तो ये हम कैसे देते हैं ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले इस सेल को जिसमें प्रतिशत लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लगाते हैं ग्रेटर देन का निशान, यानी ये जो सेल है अगर बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, 75 के। ये सभी के साथ अप्लाई होगा, एक जैसा ही फार्मूला सभी में जाना है। 75 के साथ में आपको प्रतिशत भी लिखना होगा क्योंकि हम 75 से ऊपर वाले सेल्स के लिए टाइप करेंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा और डबल कोट में हम टाइप करेंगे ए। तो अगर ये सेल बड़ा होगा और बराबर होगा 75% के तो वहाँ पर डिस्प्ले होगा ए। इसके बाद आप एक कॉमा लगाएंगे, टाइप करेंगे इफ़, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब दोबारा से हम फिर से इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसी सेल के लिए दूसरी कंडीशन देनी है। दोबारा से हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वही हमने फार्मूला लगाया, बड़ा होगा और बराबर होगा कितने के, 60 के। यहाँ पर भी हम प्रतिशत लगाएंगे और क्या आएगा, बी। तो आप डबल कोट में बी टाइप करेंगे और उसके बाद फिर से कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हम दोबारा से टाइप करेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे और वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर से उसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और इस बार हम यहाँ पर देंगे 45%।
आप देखेंगे 45 हमने टाइप कर दिया है। अब लगाएंगे फिर से हम कॉमा और इसके बाद हम टाइप करेंगे डबल कोट में सी, कुछ इस तरीके से। फिर से हम एक कॉमा लगाएंगे और अब सिंपल हमें आगे कोई कंडीशन नहीं देनी है। इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन आती है, यानी अगर 45% से कहीं भी कम होता है तो क्या आएगा, सिंपल आपको टाइप कर देना है डबल कोट में डी। और जितनी बार आपने इफ़ का इस्तेमाल किया है, जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है, उतनी बार आपको ब्रैकेट बंद करना है। हमने कुल 3 बार यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया था, तो हम 3 बार ब्रैकेट बंद भी करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस समय जो ग्रेड आया है वो डी आया है, क्योंकि जो प्रतिशत है वो 33 है। तो कितने से कम में 33% आना चाहिए था, 45 से कम पे। तो अब इसको हम पकड़ के नीचे तक खींच देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी विद्यार्थी हैं उन सभी को अलग अलग ग्रेड अपने आप प्राप्त हो गए हैं। जिनके 45% से ऊपर हैं उनको सी मिला है, जिनके 45 से कम है उनको डी मिला है। अब थोड़ा सा घटा बढ़ा के देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा नंबर दे के देख लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट है रणवीर, उनका प्रतिशत हमने यहाँ पर 83% किया है, तो उनका जो ग्रेड है वो अपने आप ए आया है। 47% वालों का सी आया है और जिनके परसेंटेज 60 से ज़्यादा हैं उनका ग्रेड यहाँ पर बी आया है। तो इस तरीके से आप इफ़ का इस्तेमाल करके सभी को ऑटोमेटिक ग्रेड दे सकते हैं। अब बात करते हैं काउंट इफ़ की। तो यहाँ पर आप जो भी कंडीशन देंगे ये उसको काउंट करके बताएगा, जैसे इस पूरी मार्कशीट में 70 नंबर कितने लोगों को मिले हैं। तो यहाँ पर आप बड़े आराम से इस चीज़ को पता कर सकते हैं। आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन करना है, रेंज दे देनी है, तो यहाँ पर हमने पूरी रेंज दे दी, कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया टाइप कर देना है। क्राइटेरिया को आप हमेशा डबल कोट में ही टाइप करें, डबल कोट बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद करिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे इस पूरी रेंज में कुल 4 लोग ऐसे हैं जिनको 70 नंबर मिले हैं किसी एक विषय में। अब आपको पता करना होगा इस पूरी रेंज में कितनी बार 100 नंबर आया है, तो आपको सिंपल यहाँ पर 70 की जगह 100 टाइप कर देना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कुल 5 विषय ऐसे हैं जिन स्टूडेंट्स को 100 अंक मिले हैं। तो इस तरीके से आप काउंट इफ फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कई जगह कर सकते हैं। हम यहाँ पर नाम का भी पता कर सकते हैं, हमें अगर पता करना है कि मोहित नाम इस लिस्ट में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है, तो सिंपल आप बराबर का निशान लगाएंगे, टाइप करेंगे काउंट इफ और रेंज दे देंगे, तो रेंज आप पूरी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया टाइप करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं मोहित, इसको डबल कोट में बंद कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कुल 2 जगह मोहित नाम लिखा हुआ है, अगर आप एक जगह और भी लिख देंगे तो ये उसको तुरंत ही सर्च कर लेगा। तो इस तरीके से आप इन सभी 8 फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड और एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको रिवन में डेवलपर टैब को अनेबल करना होगा, और इसको अनेबल करने के लिए आपको जाना होगा ऑफिस बटन पर और यहाँ पर जाना होगा आपको एक्सेल ऑप्शन में। यहाँ पर जो पॉपुलर टैब है वहाँ पर आपको शो डेवलप टैब इन द रिबन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर टिक लगा दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। आप जैसे इसे ओके करेंगे वैसे ही यहाँ रिबन में आपको डेवलपर टैब शो होने लग जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको विजुअल बेसिक और उसके बाद मैक्रोस का ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहें तो ऑल्ट के साथ में F8 दबाकर भी मैक्रो को रन करा सकते हैं। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस, इस पर भी आप टिक लगा लीजिए, इसका फ़ायदा मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो हमने यहाँ पर एक शीट बनाई है और यहाँ पर कुछ हमने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उसका विषय लिखा है और जनवरी से लेकर जुलाई तक के इनके कुछ टेस्ट के अंक हैं वो हम यहाँ पर फीड करेंगे, और ये हम फीड करेंगे मैक्रो की सहायता से, एक पूरा परफॉर्मा जनरेट करेंगे। इन सभी स्टूडेंट्स के हम यहाँ पर विषय लिखेंगे और उनका योग करेंगे, और ये जो स्टेप है ये हमें सभी 6 लोगों के साथ में बार बार करना है, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसके लिए हम मैक्रो का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला स्टूडेंट है उसके सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले वाले को, और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो के बटन को क्लिक करते हैं। जब आप ये रिकॉर्ड मैक्रो का बटन क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले मैक्रो बना रखे हैं तो ऑलरेडी वो 5वां नंबर यहाँ पे आपको दे देगा कि आप इसी नाम को कंटिन्यू चलने दें, तो आप इसे ओके कर दीजिए। अगर आप कुछ और नाम देना चाहते हैं तो वह यहाँ से आप इसको बदल सकते हैं। इसके बाद में आप मैक्रो के लिए शॉर्टकट की बना सकते हैं, शॉर्टकट की इसलिए कि जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको बार बार वहाँ से ओपन नहीं करना होगा, आप सीधे शॉर्टकट की को प्रेस करके मैक्रो को रन करा सकते हैं। शॉर्टकट की आपको ऐसी बनानी है जो पहले आपने किसी मैक्रो को न दी हो, या फिर वो आपके एक्सेल की कोई और भी शॉर्टकट की कमांड ना हो। कंट्रोल के साथ में हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं और एन का बटन और प्रेस कर लेते हैं, तो एक शॉर्टकट की बन गई ऑल्ट शिफ्ट प्लस एन। तो ये शॉर्टकट की हम जब भी दबाएंगे तो जो मैक्रो 5 है वो रन होने लग जाएगा। इसे ओके कर दीजिए, तो अब आपका मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड होने लग गया है। अब बस आपको करना ये है कि
एरो की से आपको नीचे वाले सेल में आना है और इसके बाद में आपको यहाँ से 5 रॉ इंसर्ट करानी है। तो इस तरीके से रॉ इंसर्ट करा दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर विषय टाइप कर लीजिए। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर विषय भी टाइप कर लिए हैं और यहाँ पर नीचे इनका योग भी लिख दिया है। अब इन सभी जो विषय हैं उन सभी का हम योग कर लेते हैं ऑटोसम के द्वारा। यहाँ पर अब ऑटोसम भी लगा देते हैं। ये देखिए हमने ऑटोसम लगा दिया और इसे यहाँ से ड्रैग करके हमें पूरे सेल में खींच दिया इसको। इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसका भी एक फ़ायदा भी हम आपको और बताएंगे। तो ये हमने यहाँ से सारी सेटिंग ठीक कर ली है। अब यही सारी चीज़ें हमें इन सभी के साथ भी करनी है। तो इन सभी को भी हम कैसे करते हैं बता देते हैं। यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। इसके बाद में आप डेवलपर टैब में दोबारा से जाइए और इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। बस आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब आप इन सभी सेल्स के साथ में यही प्रक्रिया अगर दोहराना चाहते हैं, इसी तरीके से सेल इंसर्ट कराना चाहते हैं, योग लिखना चाहते हैं, विषय लिखना चाहते हैं और उन सभी को सम भी करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जहाँ आपने पहला सेल यहाँ पे सेलेक्ट किया था उसी तरीके से आप स्पाइडरमैन वाले सेल के सामने भी चले जाइए या जो आपका दूसरा स्टूडेंट है उसके सामने चले जाइए और मैक्रोस के ऑप्शन पर जाइए। हमने कौन सा मैक्रो बनाया था, मैक्रो 5 हमने इसके लिए बनाया था। इसको यहाँ से रन करा दीजिए। आप देखिए ये यहाँ पर सारे उसी तरीके से जो रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है। इसी तरीके से तीसरे के सामने भी आप यही कर सकते हैं। ये देखिए ये भी हो गया। इसी तरीके से चौथे के लिए भी आप ये कर सकते हैं। ये भी हो गया। पांचवें के लिए भी आप यही कर सकते हैं। यहाँ ये भी हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार मैक्रोस न खोलना पड़े तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कीजिए। हमने यहाँ पर शॉर्टकट की बनाई थी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में एन, तो आप वो भी यहाँ पर रन करा सकते हैं। इसी तरीके से आप बार बार मैक्रो को रन करा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी भी बार आप इस चीज़ को रन करा सकते हैं, ये बार बार उसी तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर आपके लिए उदाहरण के लिए एक टेबल मैंने और बनाई है। आप देखेंगे यहाँ पर वही स्टूडेंट हैं, उनके हमने विषय भी टाइप कर रखे हैं, उनके नंबर भी हमने यहाँ पर डाल रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हर सेल के नीचे, हर विषय के नीचे उनका योग भी हमें लिखना था जो कि हमसे छूट गया है। अगर हम इसे मैनुअली करेंगे तो हम सभी विषय के नीचे यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट कराएंगे, उसके बाद यहाँ पर योग टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इन सभी को एक एक करके सम कराएंगे। तो ये मैनुअल प्रक्रिया हमें एक बार करनी है और उसके बाद में हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और मैक्रो की सहायता से सभी पर इसको अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिकॉर्ड के ऑप्शन पर जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर पहला आप ये सेल सेलेक्ट कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा आपको इसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना पड़ेगा। अगर आप इसे वो चीज़ नहीं बताएंगे तो ये आपके डेटा को उल्टा सीधा भी कर सकता है। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो जो ये पहला स्टूडेंट है उसके लिए हमें सम करना है, तो रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ से इसको एक नाम दे देते हैं सम। और इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट की जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर हम शिफ्ट का बटन और प्रेस कर लेते हैं और इसे दबा देते हैं एल के साथ में। इसे ओके कर देते हैं। अब आप एरो की से नीचे जाएंगे और हमें एक जो रॉ है वो यहाँ इंसर्ट करानी है, तो आप रॉ को यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे। उसके बाद यहाँ पर योग टाइप करेंगे और जो ऊपर वाले अंक हैं उनके लिए यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन दबाएंगे। हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमसे ये प्रश्न पूछा था कि अगर ऐसा हमें बार बार करना हो तो इसकी क्या कमांड है, तो आप मैक्रो लगा कर ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैक्रो लग गया है। अब इसको यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। यहाँ से ये मैक्रो स्टॉप हो गया। अब सभी के लिए हमें यही करना है, तो आपको सिंपल इतना करना होगा, या तो आप शॉर्टकट की का प्रयोग करें या फिर आप यहाँ से मैक्रोस की लिस्ट पर जाएं। तो ये सम वाला मैक्रो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार हम यहाँ से भी रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए इसके नीचे ये आ गया। अब एक बार हम शॉर्टकट की से और करा के देख लेते हैं। आप देखेंगे शिफ्ट कंट्रोल एल हमने बताया था और एक एक करके आप सभी के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए बस आपको एक सीरीज़ बनानी होगी और इसे बताना होगा कि आप किस तरह से वो काम करना चाहते हैं। अब अगर आपके पास ऐसी ही कोई रॉ है और आप वहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डिलीट करना है या कोई रॉ इंसर्ट कराना है तो आपको उसे सीरीज़ बताना होगा कि इस सीरीज़ में आपको चलना है और काम करना है। अब आता है नंबर यूज रिलेटिव रेफरेंस का। तो इसका अर्थ ये है अगर आप इसे नहीं दबाएंगे तो ये हर बार पहले ही सेल से उस मैक्रो को रन करेगा। इसको यहाँ से हटा के देख लेते हैं और एक बार कोई मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ से हमने मैक्रो 7 रिकॉर्ड किया। तो यहाँ से आप देखिए हम यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट करा देते हैं
और मैक्रो को स्टॉप कर देते हैं। अगली बार हम मैक्रो 7 को जब रन कराएंगे और हम चाहते हैं कि वो दूसरे नंबर वाले स्टूडेंट के अंग्रेजी विषय के नीचे एक रॉ इंसर्ट करे तो वो इसको नहीं कर पाएगा। हम इसको एक बार रन करा के दिखा देते हैं आपको। हमने मैक्रो 7 यहाँ पर रिकॉर्ड किया था तो आप देखेंगे वो पहले सेल से ही उसे मान रहा है। वो दूसरे वाले जो ऑप्शन था दूसरे वाले स्टूडेंट पर हम उसको ले जाना चाह रहे थे वहाँ पर नहीं जा रहा है। तो इसलिए आपको यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का ऑप्शन प्रेस करना होगा, अन्यथा वो पहले ही सेल से उसको लेगा। अगर A1 से शुरू कर रहा है तो वो A1 से ही उसको अप्लाई करेगा। अब आता है मैक्रो के लिए आप यहाँ पर बटन कैसे बनाएंगे। बटन बनाने के लिए आपको जाना होगा ये जो टूल बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक बटन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप इस क्लिक कर दीजिए, कहीं भी इस बटन को क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ जैसे ही आप बटन क्रिएट करेंगे आपको सभी मैक्रोज की लिस्ट मिल जाएगी। तो हमें ये सम वाला मैक्रो जो है उसके लिए बटन बनाना है। आप इसे क्लिक करके ओके कर दीजिए, और अगली बार जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कर्सर यहाँ पर रख लीजिए। तो आप देखिए वो मैक्रो इस बटन को प्रेस करने से ही काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मैक्रो के लिए बटन भी बना सकते हैं। डेटा एंट्री करते समय आपने देखा होगा कि जो आपका कर्सर है वो टैब जब आप बटन प्रेस करते हैं तो राइट साइड में जाता है और जब एंटर करते हैं तो नीचे आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एंटर करने के साथ में ये चाहते हैं कि उनका जो कर्सर है वो राइट साइड में जाए। तो इसको चेंज करने के लिए आपको सिंपल जाना है अपने ऑफिस बटन पर, एक्सेल ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडवांस टैब। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन। तो आप यहाँ पर राइट साइड को अगर सेलेक्ट करेंगे तो अब जब भी आप एंटर करें प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो हमेशा राइट साइड में जाएगा। तो एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि एंटर करने के बाद में उनका जो कर्सर है वो राइट साइड में ही जाए। अब लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है कि कर्सर राइट साइड में तो जाएगा लेकिन जब डेटा आप एंटर करते जाएंगे तो वो फिर आपको अगर वापस से नीचे लेके आना है तो वहाँ पर आपको माउस से क्लिक करनी होगी। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। यहाँ पर बहुत लोग ये चाहते हैं कि उनका जो डेटा है वो एंटर करते जाएँ और एक सिलेक्शन एरिया हो, एक एरिया ऐसा हो केवल वो उसी एरिया में डेटा को एंटर करें। तो ऐसा आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो सिलेक्शन एरिया है इसी में डेटा को एंटर करें तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद में बस आपको डेटा फीड करते जाना है और आप वहाँ से आगे कहीं जाएंगे नहीं। आप एंटर का इस्तेमाल करते रहिए और डेटा फीड करते रहिए। देखिए हम किस तरीके से यहाँ पर एंटर का इस्तेमाल करने से मैं डेटा को फीड करता जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने कहीं भी कोई टैब का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको करना ये है आपको उन सेल्स को सेलेक्ट करना है जिस सेल्स के बीच में आपको डेटा एंटर करना है, और डेटा एंटर करने के लिए आप सिंपल पहले सेल को सेलेक्ट कीजिए और डेटा फीड करते जाइए। ऐसा करने के लिए आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप केवल उस सिलेक्शन एरिया के बीच में ही अपने डेटा को एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक परफॉर्मा बनाया है, एक यहाँ पर रिजल्ट शीट है, आपका कैसा भी परफॉर्मा हो सकता है। और हम ये चाहते हैं कि जो हम डेटा एंटर करें और उसके बाद में जो अगर एंटर करें या टैब दबाएं तो जो हमारा सिलेक्शन है वो अपने अगले सेल में अपने आप जंप करके चला जाए। जैसे अगर हम नाम एंटर करें और एंटर करें तो उसके बाद में पिता के नाम पर चला जाए, और उसके बाद में उम्र पर आए, उसके बाद पते पर आए, फिर ऑटोमेटिकली वो गणित पर जाए, अंग्रेजी पर जाए, हिंदी पर जाए। तो ये कैसे होगा, ये करने के लिए आपको सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाना है और एक एक करके उन सेल्स को सेलेक्ट करना है जिनमें आप अपने कर्सर को ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक एक करके सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है ऊपर से, और लास्ट में आपको जाना है नाम वाले सेल पर जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने नाम से ही शुरू किया था और नाम पर ही मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको जाना है नेम बॉक्स में, और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है कोई भी नाम। तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ नेम और इसको एंटर कर देता हूँ। अब तो ये क्या होगा, ये जो सिलेक्शन है ये नेम के नाम से यहाँ पर सेव हो जाएगा। अगली बार आप कहीं भी क्लिक कीजिए तो देखिए पहले मैं आपको नॉर्मली डेटा एंटर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने नॉर्मली डेटा एंटर किया, और अभी यहाँ पर हम टैब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम एंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको इस जो अभी हमने सिलेक्शन किया था उसमें डेटा एंटर करके दिखाते हैं। यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं नेम को, और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमने टाइप किया नाम, फिर हमने एंटर किया, और ये जो एंटर है ये आपको नंबर कीपैड वाला इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने टाइप किया पिता का नाम, इसके बाद एंटर, उम्र, उसके बाद पता लिख दीजिए, यहाँ पर फिर गणित के नंबर, अंग्रेजी के नंबर, हिंदी के, इतिहास, ये देखिए। तो ये जो डेटा एंटर होगा ये केवल उन्हीं सेल्स में होगा जिनमें आप चाहें। तो ये जो डेटा एंट्री करने के तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। तो इन तरीकों से आप बड़ी तेज़ी से अपने किसी भी शीट में आराम से डेटा एंटर कर पाएंगे।
तो आशा है दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए इतनी मेहनत की है वीडियो कैसा लगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।